मेरे जो बीस बीस मेरे ख्याल से हमको हो गए 17-18 साल, जो 17-18 साल अगर मैं टिका हूँ इस इंडस्ट्री में, तो सबसे बड़ा हाथ अनीस साहब का है उसमें। मैं सच्ची कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। ये इतने हम्बल हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं, इनकी काबिलियत, इनका टैलेंट, इनकी राइटिंग, एज अ ह्यूमन बीइंग, मैंने बहुत, आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, बड़ा मैं लकी रहा हूँ। मैंने बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, के विश्वनाथ, बापू साहब, सुभाष घाई साहब, यश चोपड़ा, शेखर कपूर, विनोद चोपड़ा, इंटरनेशनल में भी थोड़ा बहुत काम करने का मुझे मौका मिला, जैसे कि डैनी बॉयल हैं और अपना ब्रैड बर्ड हुए। 24 में मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे फनकारों के साथ, डायरेक्टर्स के साथ काम किया। मगर अगर मुझे कहा जाए कि कौन से 2-3 डायरेक्टर हैं जो आपके पूरे करियर में, जिनकी वजह से आपको करियर को बूस्ट मिला है, मैं अनीस साहब का नाम लहूँगा 100%। वो मैं जब अपनी बुक लिखूँगा तो उसमें अनीस साहब का नाम ज़रूर होगा कि मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है कॉमेडी के बारे में। जनरली कह रहा हूँ, इनकी राइटिंग, यू नो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अनीस साहब के फिल्मों में। अगर आपको लग रहा होगा कि बहुत मेहनत करता हूँ, इनकी राइटिंग, इनकी डायरेक्शन, इनकी सेंस ऑफ कॉमेडी इतनी ज़बरदस्त है कि हम लोग जब सेट पे आते हैं, कितनी बार तो ऐसा हुआ कि इन्होंने हमें सीन जिस तरह ये पढ़ते हैं, हमको पढ़कर सुनाते हैं और हम लोग एग्जैक्टली उनको कॉपी करते हैं। मैं तो अनीस बजमी साहब को कॉपी करता हूँ, कितनी बार मैं अटक जाता हूँ, मैंने अनीस साहब आप बोलकर बताइए कैसे बोलना है, तो अनीस साहब मुझे, यानी अनीस साहब बोलते हैं और मैं एग्जैक्टली वैसा मैं कॉपी करता हूँ उनको। जेन्युइनली मैं दिल से कह रहा हूँ आपको। और इनकी बहुत सी फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की हैं, मेरे ख्याल से 99.9% सारी कामयाब रही हैं। एंड आज मैं दिल से कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मुबारका, अगर ऊपर वाले ने चाहा, भगवान ने चाहा और आप सब लोगों ने चाहा, जनता ने चाहा, तो ये इनकी बेस्ट फिल्म होगी। थैंक यू वेरी मच। And let's call the dulha and the dulhans on the stage because it will be adhura without them. Hello. मैं काम मैं करूँगा। No, मैं thank you very much बोला वो, ये इस थोड़ा सा, हाँ नहीं सर, इनको ज़रा रिसीव करते ना यार, थोड़ा ग्लैमर आए। हम लोग दोनों की फोटो को खींचने नहीं वाला, हम लोग को देख देख के लोग पक चुके हैं बहुत सालों से काम। नहीं लेकिन ये हमारी पहली फिल्म है। इंट्रोड्यूसिंग अनीस बाजपी एंड अनिल कपूर, और अपना दीवाना मस्ताना, नो एंट्री, वेलकम, वो सब बहुत पुरानी बात, पुरानी बात। ये वो हमने बचपन में की थी, जवानी की हमारी ये पहली फिल्म है। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट माय नेव्यू, माय भतीजा, हु इज डन अ फैंटास्टिक जॉब इन दिस फिल्म। बहुत ही कमाल का काम किया, आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे, जो इन्होंने जिस तरह इन्होंने डबल रोल निभाया है। और बड़ा जेलस था मैं इस फिल्म में, मुझे आई वॉज सो जेलस। पहली बार मैं साला सड़ा, ज़बरदस्त सड़ा, जब मैं चंडीगढ़ गया था, इन्होंने बोला, मुझे बोला था, मेरे को सीनियर बनाने की बड़ी कोशिश करते हैं इन लोग सब, कि सर आप आइए ज़रा क्लैप वैप दीजिए। तो मैं क्लैप देने पहुँचा चंडीगढ़ में और मैंने देखा कि अर्जुन आ रहा है चरण बनकर, उसने ज़बरदस्त पग पहना हुआ है, बहुत बहुत कमाल, बहुत कमाल। बहुत से सरदार आए हैं, सिख्स आए हैं, यू नो सरदार जी साहब आए हैं, और ऐसा मैंने जब मैंने देखा, मैंने भैया मेरा फ्यूचर तो सिक्योर है, मेरा करियर सिक्योर है, ये पिक्चर मुझे लगता है कास्टिंग परफेक्ट हो गई है। तो मैं अपने भतीजे चाहूँगा कि अर्जुन यहाँ आए स्टेज पर, अपनी गर्लफ्रेंड्स जो इनके साथ वो शादी करना चाहता, अपनी गर्लफ्रेंड्स, इनकी वैसे भी मैं शादी जल्दी कराने वाला हूँ, तो मैं चाहूँगा कि वो जल्दी आए, अपनी गर्लफ्रेंड्स जो जिनके साथ ये शादी करना चाहता है, और हम दोनों ने बड़ी कोशिश की है कि इनकी शादी नहीं, नहीं मुझे हो। लगता है पहले अर्जुन जो है वो आ जाए, उसके बाद वो खुद ही बुलाएंगे कि नो, ये थोड़ा ग्लैमर आना चाहिए, तो हमारी फ़ोटो नहीं छपेगी, अर्जुन की भी नहीं छपेगी।